छह एटमी धमाके करके हिंदुस्तान को गया था, आपके तरक्की और खुशहाली के सफर को खत्म किया गया था, नवाज शरीफ किया गया था, नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है इस मुल्क के गरीबों और यतीमों के लिए, इस मुल्क के गरीबों और यतीमों के लिए। इसलिए आपने 21 तारीख को 21 तारीख मेरे बुजुर्गों भाइयों और नौजवान साथियों आपने मुझसे एक साथियों आपने मुझसे एक वादा करना है कि 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में आपने नवाज शरीफ का तारीख का सबसे बड़ा आपने इस्तकबाल करके साबित करना है कि नवाज शरीफ तुमसे जुल्म किया गया, तुमसे ज्यादती की गई, मगर पाकिस्तान के करोड़ों आवाम तुम्हारे साथ हैं, करोड़ों माओं की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरे बुजुर्गों नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंतकाम लेने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आके इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है, बुजुर्गों की खत्म करनी है, बस करनी है।
बस यही मेरा पैगाम है और मेरा आपसे वादा है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई की तरह, कि नवाज शरीफ के छोटे भाई की तरह, उसके वर्कर की तरह मैं नवाज शरीफ के साथ अपनी जान लड़ाऊंगा और पाकिस्तान के लिए अपनी जान लड़ाऊंगा और पाकिस्तान के लिए मेरे साथ नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान नवाज शरीफ जिंदाबाद, 21 अक्टूबर को मीनार, 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ अवाम मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ अवाम रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।